अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने अपने घरों में हंसता मुस्कुराता और हमेशा आबाद रखे। तो जी आज था, आज का दिन तो ख़ास नहीं था, सलार बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं और सलार के मैंने कपड़े निकाले हुए, सलार के शूज़ भी निकाले हुए हैं और सलार के सूट भी निकाला हुआ है मैंने। अब सलार को लेकर जाना है, उसकी वैक्सीनेशन करवानी है, आज उसका वैक्सीनेशन डे है। तो जी आज तो वो उसने वैसे चिड़चिड़ा हुआ है, उसकी आवाज़ आ रही होगी, बाजी उसको संभाल रही है। अब मैं जाती हूँ, उसको संभालती हूँ, उसको देखती हूँ और फिर उसको लेकर चलती हूँ वैक्सीनेशन करवाने के लिए। और जब बच्चा वैक्सीनेशन करवाता है तो आपको पता है कि वो कितना ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो बस अब मैं उसको लेकर जाती हूँ वैक्सीनेशन करवाने के लिए, उसको चेंज करवाती हूँ और उसको वैक्सीनेशन के लिए जाती हूँ। टाइम हो रहा है 10:30 का, 10:30 हो रहे हैं। अब बस उसको चेंज कराते कराते घर से निकलते निकलते 11 बज जाएंगे। खाना बाजी चढ़ा रही हैं, खाना खाने का इंतज़ाम वगैरह जो भी है, गोश्त वगैरह जो वो बना रही हैं, तो वो सब चढ़ा के सब करके फिर जाना होगा। तो बस अब चलते हैं, मैं सलार को तैयार करती हूँ, वीडियो के साथ बने रहिएगा। और अब चलते हैं वैक्सीनेशन करवाने के लिए, आज उसने बहुत रोना है क्योंकि वैक्सीनेशन होनी है उसकी। वैक्सीनेशन करवानी है, वैक्सीनेशन कार्ड ले लिया, चाबी ले ली घर की, अम्मी घर पर। जी सलार तैयार हैं आप जाने के लिए? हाँ, वैक्सीनेशन करवाने के लिए। तो जी पहुंच चुके थे हम वैक्सीनेशन करवाने, मगर अफसोस आज सलार की वैक्सीनेशन नहीं हुई। सलार की आँखें आ रही थी जो कि आजकल वायरस फैला हुआ है, तो सलार की वैक्सीनेशन नहीं हुई। हॉस्पिटल से वापसी आते हुए हलीम का दिल किया और फिर मैंने ली कराची हलीम वहाँ से, और फिर साथ ही गरम गरम रोटियाँ ली। मैंने कहा अब आप जो सालन बना रही हैं वो हम रात में खा लेंगे, अभी हम हलीम रोटी खा लेते हैं। और इतना दिल कर रहा था हलीम रोटी खाने का, मुझे हलीम बहुत ज़्यादा पसंद है और हलीम रोटी बहुत ज़्यादा। A few moments later. खाना खाने से जब मैं फारिग हो गई थी तो मुझे नज़र आया बिल और मुझे मीटर के लिए जाना था, दूसरा मीटर लगवाना था घर में। और जी मैं दोबारा गई थी कि जी जो भी मामला थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाने हैं मैं जाऊं, और इतना सुनसान हुआ हुआ था एरिया, ये पूरा नंबर मुझे मिल चुका था जो मेरा टोकन था वो इतना दूर था, रश लगा हुआ था, इतना ज़्यादा रश था, लोग लाइनें लगी हुई थी, लोगों के इतने बिल आ रहे हैं, इतने परेशान हैं, आवाम बहुत परेशान थी। यहाँ जाके अंदाज़ हुआ कि खाली हमारे इतने बिल नहीं आ रहे, लोगों के घर के बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और मुझे इतने घंटे तक वहाँ पर बैठना पड़ा, इंतज़ार करना पड़ा, और फिर जाके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा भी नहीं हुए, उन्होंने फिर कोई नई तारीख दे दी। A few moments later. तो जी मैं घर पे आ चुकी थी, काफ़ी घंटे, तकरीबन 3 घंटे मेरे लग चुके थे जो कि के इलेक्ट्रिक ऑफिस में मेरे लग चुके थे। घर पे मैं आई हूँ तो चाय का दिल कर रहा था, बस चाय का पानी बाजी ने रख दिया था और मैंने कहा चले मैं थोड़ी सी वीडियोस बना लेती हूँ। मौसम बहुत प्यारा हुआ हुआ था, कराची का मौसम वाकई बहुत हसीन हुआ हुआ है। और साथ ही साथ चाय बन चुकी थी, बस ये कपों में निकालनी थी, और शाम का टाइम था तो दिल कर रहा था कि कुछ अच्छा होना चाहिए। तो साथ ही लेकर आ गए थे, बाजी लेकर आई थी, बल्कि जब वो गई थी मार्केट तो मैं घर पे तो नहीं थी, मैं इलेक्ट्रिक ऑफिस गई हुई थी, तो बाजी गई थी बेकरी, वहाँ से लेकर आई थी पैटिस, तो मज़ेदार गरम गरम पैटिस थे। तो साथ ही साथ चाय थी, इतनी भूख लग रही थी क्योंकि वहाँ पे मुझे इतना पैदल भी चलना पड़ा था और इतना वेट करना पड़ा था, तो बस मैं जल्दी से चाय निकाल रही थी। ये सॉरी माजरा थी, ये छन्नी ख़राब थी, तो साथ ही गरम गरम पेटिस थे और चाय थी, और इतना मज़ा लग रहा था, इतना दिल कर रहा था चाय पीने का, इतनी ज़्यादा थक चुकी थी, सर में दर्द शुरू हो चुका था। A few moments later. Welcome back. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरी YouTube फैमिली जो जो मुझे देख रही है वो सब ठीक होगी, खैरियत से होगी, और अल्लाह पाक आप सबको ठीक सलाम ठीक रखे और ढेर सारी खुशियाँ दे और हमेशा सलामत रखे। जी मेरा जो आज का दिन था वो थोड़ा मसरूफ़ था, मेरी लाइफ आप लोगों को पता है कितनी ज़्यादा, या तो मुझे ही टफ़ लगती है या फिर है ही टफ़। तो जी मेरी लाइफ जो आज का जो डेली रूटीन होती है, जो मेरी एक्टिविटी थी आज की, वो मैंने सारी अपनी आज के व्लॉग में आप लोगों से शेयर कर दी है। कंप्लीट वीडियो को वॉच करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोग को वीडियो कैसी लगती है। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें
कि वो जल्द से जल्द अच्छी ग्रो कर सके, मतलब जल्द से जल्द मोनेटाइज हो सके। तो आप सब ने कम्प्लीट मेरी वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। तो जी मैं आज गई थी ना सलार के लिए, आपको बताया था वैक्सीनेशन के लिए गई थी, मगर सलार की आ रही थी क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन चल रहा है, सबकी आँखें जो है वो रेड हुई हुई है, इतना वायरस फैला हुआ है। हर एक दूसरा बंदा ग्लासेस लगा के घूम रहा है, मेरी आंखें भी आज बहुत ज़्यादा दुख रही हैं, मुझे लग रहा है कि मेरी भी आंखें आने वाली हैं और मैं भी ग्लासेस एक दो दिन में लग रहा है इस्तेमाल कर लूँगी, क्योंकि मोहम्मद सलार की भी आई हुई है। और मुझे बताइएगा, वैसे मेरे पास वो पॉलीफैक्स थी, वो जो आँखों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो मैंने सलार को लगा दी थी कि उसकी ना दुखी है ज़्यादा, मगर छोटा बच्चा है और मैं जब उसको लेकर गई तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि इसकी वैक्सीनेशन आज नहीं हो सकती, क्योंकि 9th मंथ में बच्चे की वैक्सीनेशन होती है, तो उसकी वैक्सीनेशन आज नहीं हो सकती थी। तो फिर मुझे डॉक्टर ने मना किया कि आज मत लेकर आए इसको, थोड़ा क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा जी, मैं आज क्या बोल रही हूँ, मैं इतने सर में दर्द हो रहा है, वो ऊपर से वो आँखें मेरी इतनी दुख रही हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा आज मैं बस बोली जा रही हूँ, मगर मैं समझ नहीं आ रहा मैं बोल क्या रही हूँ। तो जी जो ऑयल के बारे में मैंने आपको बताया है कि अम्मी जी के लिए क्या ऑयल मंगवाया है, तो ये है आयुर्वेदिक पैन रिलीफ ऑयल, ठीक है। ये आपको स्क्रीन पे अगर नज़र आ रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मगर मैं आपको इसका कंप्लीट जब बताऊंगी कि आप अपने लिए यूज़ करें या अपने फैमिली के लिए, कि जिनके एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, जिनके जोड़ों का दर्द नहीं जाता या ऑपरेशन हो जाता है या फिर कहीं चोट वगैरह लग जाती है जिनका दर्द नहीं जा रहा होता, तो ये मैं उनके लिए कहूँगी। और पहले मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि ये पहले मैं यूज़ करके देखूँगी अम्मी के अगर आराम होता है, इसके क्या रिज़ल्ट आते हैं, तो फिर मैं आपको मज़ीद किसी और वीडियो में बताऊँगी कि आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझसे कमेंट्स वगैरह में पूछ लीजिएगा, अगर अम्मी को फ़ायदा हुआ तो फिर मैं लाजमी आप लोगों को बताऊँगी कि आप अपने बड़ों के लिए, अपनी वालदा के लिए, अपने वालिद के लिए, या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर किसी को ऐसी चोट लग जाती है जो आराम नहीं दे रही होती, तो जी फिर मैं आपको बताऊँगी कि आप लोग जाएँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो जी अगर अम्मी जी को आराम होगा तो फिर मैं अपनी YouTube फैमिली को लाजमी बताऊंगी इस ऑयल के बारे में, और जी इस ऑयल के बारे में लाजमी मैं आप सबको बताऊंगी। आज की वीडियो यहीं तक थी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करना है, जाते जाते अच्छा सा कमेंट भी करना है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।